वेलकम बैक ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल. इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट अ लिटरी डिवाइस, अ लिटरी टर्म, एंड द लिटरी डिवाइस नेम इज हेरोइक कपलेट. एंड दिस लिटरी डिवाइस पर्टिकुलर इन बी ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सिलेबस ऑफ MDS यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पेपर वन, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लिटरेचर स्टूडेंट. सो लेट्स बिगन विद हेरोइक कपलेट. हेरोइक कपलेट इज अ लिटरी डिवाइस एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री कॉमनली यूज इन एपिक एंड नरेटिव पोएट्री. इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री कॉमनली यूज इन एपिक एंड नरेटिव पोएट्री. द हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज पायनियर्ड बाय जॉफ्री चॉसर इन द मिडल एज ऑफ 14th सेंचुरी. हाईली डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर टर्म हेरोइक कपलेट हाईली डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज बाय न्यू क्लासिकल पोएट्स. A rhyming couplet of iambic pentameter containing a complete thought. It is a rhyming couplet of iambic pentameter containing a complete thought. There is a pause at the end of the second line. There is a pause. Also notice an antithesis within a line or between lines. This is the definition of heroic couplet. अगर हम हिंदी में बात करें तो आप सबको पता है कि कपलेट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमने आयम्बिक पेंटामीटर पढ़ा है और मैंने आपको सोनेट बताया था. सोनेट में आपने पढ़ा है कि जो 14 लाइंस है वो डिवाइडेड होती है शेक्सपियरियन सोनेट में, है ना, 3 quatrains और 1 couplet में. कपलेट मीन्स 2 lines, ठीक है, कपलेट मीन्स 2 line. अब उन 2 लाइन में कंप्लीट पोएम का सेंस निकल जाता है. जो कपलेट होता है उस 2 लाइन में पूरी पोएम का कॉन्क्लूजन निकल जाता है. और जो हेरोइक कपलेट है वो क्या है, ये एक ट्रेडिशनल टर्म है, एक पुरानी टर्म है. और इसको, इसका ओरिजिन कैसे हुआ इंग्लिश में, इट्स नॉट नोन, वो नहीं पता है. बट जो इसको यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट टाइम वो जॉफ्री चॉसर हैं. ऐसा माना जाता है ऑथेंटिकली कि जॉफ्री चॉसर जो है वो हमारे लिटरेचर के फर्स्ट जो है ऑथेंटिक ऑथर है, राइटर है, पोएट है. तो इन्होंने 14th सेंचुरी में हेरोइक कपलेट का यूज़ किया. तो हेरोइक कपलेट को, कपलेट का फर्स्ट यूज़ करने वाला जॉफ्री चॉसर को माना जाता है. कपलेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 2 lines का जो एक पद होता है, हिंदी में आप बोल सकते हैं कि एक पद है ना, वो 2 line का होता है, वहाँ कपलेट होता है. अब इसमें हेरोइक आगे ऐड हो गया, उसका क्या मीनिंग है. देखो जो हेरोइक कपलेट होगा उसमें राइमिंग स्कीम होगी, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर होगा. राइमिंग स्कीम पे मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है. फिर से एक बार बता दूं कि जो लास्ट के सिलेबल्स होते हैं, लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनका जो साउंड है वो सिमिलर होता है, ठीक है. तो वहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ राइमिंग स्कीम है. सेकंड थिंग कि आप बोल सकते हैं आयम्बिक पेंटामीटर क्या है. आयम्बिक पेंटामीटर भी मैंने इस पर स्पेशली वीडियो बना दिया है कि क्या है, ये ज़्यादातर सोनेट में यूज़ होता है. आयम्बिक पेंटामीटर में 10 syllable होते हैं एक लाइन में, और पेंटा मीन्स 5, है ना, 5 feet होते हैं. 10 syllables होते हैं, 5 feet होते हैं. पहले अनस्ट्रेट सिलेबल आता है, फिर स्ट्रेट सिलेबल आता है. ये आयम्बिक पेंटामीटर है. इस पर जो स्पेशल वीडियो वो आप देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो जो हमारा हेरोइक कपलेट है इसमें क्या होता है, इसमें 2 line की जो है कपलेट होती है, ठीक है, 2 line का एक पद होता है हेरोइक कपलेट. इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है लाइन्स में, ठीक है, मीन्स जो ऊपर की लाइन होगी उसमें भी 10 syllable होंगे और 5 feet होंगे, नीचे वाले में भी. तो इनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, लेंथ अकॉर्डिंग टू सिलेबल, है ना, 10 syllable ऊपर की लाइन में, 10 syllable नीचे की लाइन में. उसके अलावा क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, है ना. उसके अलावा उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक कंप्लीट सेंस निकलता है. वो जो हेरोइक कपलेट होगा वो जो 2 line होगी उनको पढ़ के हमें समझ आएगा कि इनका कुछ मीनिंग निकल रहा है. हमें ये नहीं लगेगा कि ये कहाँ से लाइंस, हमें कुछ समझ आएगा कि पोएट क्या बोल रहा है उन लाइंस में. मीन्स एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है उसका, एक कंप्लीट सेंस निकलता है. देखो, अ राइमिंग कपलेट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर कंटेनिंग अ कंप्लीट थॉट, कंटेनिंग अ कंप्लीट थॉट. उसके अलावा हेरोइक कपलेट में हमें क्या देखने को मिलेगा, देयर इज अ पोज एट द एंड ऑफ द सेकेंड लाइन. एट द एंड ऑफ द सेकेंड लाइन आपको एक पोज मिलेगा, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा लगेगा कि अब बात जो है ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पोज होगा, ठीक है. तो ये एक इसमें रहेगा.
ऑल्सो नोटिस्ड एन एंटीथीसिस विद इन लाइन बिटवीन लाइन्स. आपको एक एंटीथीसिस दिखेगी. एंटीथीसिस मीन्स कि आपको टू अपोजिट वर्ड्स दिखेंगे. वो एक लाइन में भी दिख सकते हैं आपको, और हो सकता है कि या तो ऊपर की लाइन में या नीचे की लाइन में, मतलब आपको एक एंटीथीसिस वर्ड दिखेगा. तो ये जो है हेरोइक कपलेट है, बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में. हेरोइक कपलेट एक टाइप है पोएम का, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है पोएम की. इस पे ज़्यादातर एपिक एंड नैरेटिव पोएम में यूज़ होता है. ये एपिक मीन्स जो बड़ी पोएम्स होती है. एपिक का मतलब वैसे तो आप सबको पता है ग्रंथ होता है, और एपिक का मीन्स जो बहुत बड़ी पोएम्स होती है उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है, एंड नैरेटिव पोएट्री में यूज़ हो सकता है. द हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज पायनियर्ड बाय जॉफ्री चौसर. जॉफ्री चौसर जो 14th सेंचुरी के पोएट हैं, मैंने आपको बताया कि हमारा लिटरेचर ऑथेंटिकली माना जाता है कि चौसर से स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले हेरोइक कपलेट का यूज़ किया. इसको डेवलप्ड ज़्यादा किसने किया? नियो क्लासिकल एज के पोएट्स ने किया. तो आपके फर्स्ट ईयर में दो एजेस हैं, एलिजाबेथन एज और नियो क्लासिकल एज. नियो क्लासिकल और एलिजाबेथन एज पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, उन पे हम एकदम अच्छे से बात करेंगे इन डिटेल कि क्या है. तो जो नियो क्लासिकल एज के पोएट्स हैं उन्होंने हेरोइक कपलेट का ज़्यादा यूज़ किया. अ राइमिंग कपलेट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, मैंने आपको बताया था कि इसमें, इस हेरोइक कपलेट में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है. इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लेना. और इसमें एक कम्प्लीट सेंस निकलता है उन राइमिंग, और राइमिंग होती है. मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट के टू सिलेबल्स होंगे उनका साउंड जो है वो सिमिलर मिलेगा, ठीक है. और यहाँ क्या होता है, देर इज़ अ पोज एट द एंड ऑफ द सेकेंड लाइन, और एंड ऑफ द सेकेंड लाइन वहाँ पोज होता है. और ऑल्सो नोटिस एन एंटीथीसिस विद इन अ लाइन और बिटवीन लाइन्स. और आपको कोई अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, या तो उसी एक ही लाइन में या फिर ऊपर नीचे की किसी भी लाइन में आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे. अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं हेरोइक कपलेट के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए. देखो आपके सामने जो है एग्जाम्पल है हेरोइक कपलेट के. तो ये जो एग्जाम्पल है, नो देन thyself, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ mankind इज मैन. ये आपके BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से ही मैंने ये लिया है, ताकि आपको समझ आ जाए. नो देन thyself, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ mankind इज मैन. इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हेरोइक कपलेट. एंड दिस example, this poem is written by Alexander Pope. Alexander Pope was a great neoclassical poet and Augustus poet, and his this line taken from an essay on man, episode 2. So, know then thyself, presume not God to scan the proper study of mankind is man. इसका जो है कुछ मीनिंग आप समझ गए होंगे. इसमें एन एसे ऑन मैन से ही ली गई है लाइन्स, एपिसल सेकेंड से. एपिसल मीन्स अ टाइप ऑफ लेटर पोएम, है ना. तो उससे ये लाइन्स ली गई. इसमें बोला है नो देन thyself, तुम अपने बारे में जानो. प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, भगवान जो कर रहा है उसके काम को स्कैन करने का ट्राई मत करो. द प्रॉपर स्टडी ऑफ mankind इज मैन. अगर आपको mankind की प्रॉपर स्टडी करनी है तो वो आप खुद हो. मीन्स आप खुद को पहले अच्छे से जानो. आप गॉड जो कर रहा है उसके काम को स्कैन करने का ट्राई मत करो. आप ये मत सोचो कि जो गॉड है वो हमारे लिए क्या कर रही है, उसने क्या किया, उस पर ब्लेम मत करो. आप गॉड जो कर रहा है उसको करने दो. देखो, नो देन thyself, तुम अपने बारे में जानो. thyself, इट इज़ अ आर्किक लैंग्वेज, इट मीन्स योरसेल्फ. सो नो देन योरसेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, गॉड को स्कैन करने का ट्राई मत करो. द प्रॉपर स्टडी ऑफ mankind इज मैन. mankind की प्रॉपर स्टडी क्या है? मैन खुद ही है. तो ये आपको पता है, ये एक हेरोइक कपलेट का एग्जाम्पल है. क्योंकि इसमें देखो, यहाँ कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, ठीक है. उसके बाद में लास्ट में पोज है, पोज आ रहा है. तो हमने पढ़ा था अभी जब हेरोइक कपलेट का डेफिनेशन पढ़ा, कि एट द एंड पोज आएगा. तो इसमें एट द एंड पोज आ रहा है. और क्या हो रहा है, इसमें 10 सिलेबल हैं, आयम्बिक पेंटामीटर का ये इसमें टच है. उसके अलावा स्कैन और मैन, स्कैन और मैन राइम भी बैठ रही है. इट मींस इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हेरोइक कपलेट. आई होप आपको ये जो एग्जांपल है उसके थ्रू समझ में आ गया होगा कि हेरोइक कपलेट क्या है. देखो, कपलेट मींस टू लाइंस, दो लाइन का ये स्टेंजा है, ठीक है. दो लाइन है इसमें, मींस ये कपलेट है एक. उसके अलावा इसमें 10 सिलेबल हैं, और उसके अलावा स्कैन और मैन,
राइम बैटरी है, 5 फीट है, आयम्बिक पेंटामीटर का टच है इसमें, और एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है इन दो लाइंस का, वो मैंने आपको बता दिया अभी हिंदी में क्या सेंस निकल रहा है। ये जो लाइंस है ये एन एसे ऑन मैन पोयम है, उसके एपिसोड 2 से ली गई है जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। और ये जो फॉर्म है हेरोइक कपलेट, दिस फॉर्म वॉज परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप इन द लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी से ये दोनों बिलोंग करते हैं, ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। तो आई होप आपको हेरोइक कपलेट समझ में आ गया होगा। हेरोइक कपलेट मीन्स ये ट्रेडिशनल फॉर्म है पोयम की। उसके अलावा इसमें क्या होता है, दो लाइन्स होती, कपलेट मीन्स टू लाइन्स, उन दो लाइन में कंप्लीट सेंस निकलता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, राइमिंग स्कीम होती है, उसके अलावा एट द एंड पोज होता है। और जो हेरोइक कपलेट है उसका सबसे फर्स्ट आप मान सकते हैं यूज़ करने वाले जॉफ्री चौसर, जो कि 14th सेंचुरी के पोएट हैं वो हैं। और उसके अलावा जो 17th और 18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन है उन्होंने इसका यूज़ किया है। जो अलेक्जेंडर पोप है उसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि ये एक एन एसे ऑन मैन का एग्जांपल है। तो हेरोइक कपलेट जो है आपको क्लियर हो गया होगा क्या है। अब आप जब भी पोएम्स पढ़े, देखो एक्चुअली लिटरेरी टर्म्स क्यों पढ़ाई जाती है पहले, वो इसीलिए पढ़ाई जाती है, लिटरेरी टर्म्स को पहले पढ़ने का ही मीनिंग होता है। पहले पढ़ने का मीनिंग ये होता है कि अब आप जब भी पोएम पढ़ेंगे, हम वन बाय वन जब पोएम को कवर करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, आप उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को, एलिट्रेशन क्या कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपको एम्बिक पेंटामीटर कहाँ मिल रहा है, हेरोइक कपलेट कहाँ मिल रहा है, तो अब आपको पता रहेगा। और अगर हम डायरेक्ट पोएम पढ़ लेते तो आपको पोएम का तो मीनिंग तो समझ में आ जाता, पर आपको ये नहीं पता चलता कि एलिट्रेशन क्या है, हेरोइक कपलेट क्या है। अब अगर मैं आपको जस्ट, मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है आपको, जब भी हम पोएम पढ़ें तो मैं आपको आपको इवन खुद को ही पता चल जाएगा पढ़ के, या फिर मेरे को जस्ट इतना बताने की ज़रूरत है कि ये सोनेट है, ये हेरोइक कपलेट है, यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है, यहाँ ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा माइंड में, ये हेरोइक कपलेट क्या है, ये ब्लैंक वर्ड्स क्या है, एलिट्रेशन क्या है, क्योंकि हम सारे ऑलमोस्ट जो है लिटरेरी टर्म पढ़ चुके हैं और आपने वीडियो देखे होंगे और आई होप आप लोग उसको समझ रहे होंगे, आप उसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये क्या है, आपको पोएम ईजिली समझ आ जाएगी। इसीलिए लिटरेरी टर्म्स का जो पोर्शन है वो पहले पढ़ा जाता है, ये चीज़ें बेसिक है, बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के बाद अगर हम पढ़ते तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आपको समझ आ रहा होगा, थैंक यू सो मच।